लियारी में पुलिस आज भी नाकाम, रॉकेट और दस्ती बमों के हमले, शदीद फायरिंग, खातून और तीन बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी, सूबाई वजीर रफीक इंजीनियर के घर को आग लगा दी गई। बलोचिस्तान बदमनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला और वजीर दाखिला बलोचिस्तान को कल तलब कर लिया। लापता अफराद की बाजियाबी तक यहाँ से नहीं जाएंगे, बड़ा मसला है, विफाक क्यों तआवुन नहीं कर रहा, चीफ जस्टिस के रिमार्क। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकरीरी चौधरी निसार ने वजीर आजम को जवाब भिजवा दिया, आप वजीर आजम नहीं रहे, आईनी तौर पर मुशावरत नहीं हो सकती, कायदे हिजब अख्तिलाफ का खत। उसामा बिन लादेन की हलाकत में पाकिस्तानी हुकूमत और मुसल्ला अफवाज का हाथ है, उसामा को मोबाइल फोन चिप की मदद से तलाश किया, वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार का इंकशाफ। उसामा की पहली बरसी पर ओबामा का दौरा है अफगानिस्तान, काबुल में खुदकुश हमला, आबजाबाद कमीशन ने भी रिपोर्ट इसी माह मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। ड्रोन हमलों पर अमरीका से मुजाकरात जारी है, कामयाब होंगे या नाकाम ये कहना कबल इस वक्त है, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी। कौमी असम्बली के इजलास में नून लीग का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़नी, ऐवान में गो गीलानी गो के नारे, नून लीग ने रैलियों के शेड्यूल का भी कर दिया ऐलान। खायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास, भुजा एयरलाइन हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पेश, मुजाहिदुल इस्लाम कहते हैं खराब मौसम भी तैयारें लैंड कर रहे थे, मौसम को सानहे की वजह करार देना कबल इस वक्त होगा। हैदराबाद, सखर, दादू और नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी बैंक की इमारतों के बाहर 15 से जायद धमाके, 6 अफराद जख्मी। स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस मोहम्मद आसिफ ने सजा पूरी कर ली, कल बरतानवी जेल से रिहा हो जाएंगे। मिस्र में फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान शदीद झड़प में 20 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी है। और मेक्सिको में 16वीं सदी का त्यौहार गधों का मेला, गधे को एक रोज के लिए बादशाह बना दिया गया।